चलिए अब आपको सीधा लेकर चलेंगे हिसार, जहां पर सीएम मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय में। देखिए, देखी नहीं थी उनका भी रिसर्च करके बीज का उत्पादन यहां किया जा रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी के लोग वैज्ञानिक लगे हैं उसमें। मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इसको भी देता हूं, उनके वैज्ञानिकों को देता हूं। नई नई किस्म के बीज हैं और उसका जो उसकी मात्रा है पर्याप्त आगे बढ़ रही है। तो मित्रों, हमारा जो प्रगतिशील किसान है, कई बार मुझे किसानों से बात करने का अवसर मिलता है, तो हरियाणा के किसान सामान्य छोटी जमीन वाले भी यानी नए नए तरीके से अपनी फसलों को उगाते हैं। अभी पिछले दिनों में एक मैंने देखा है किसान, ये हमारा जो फ्रूट है लाल रंग का, क्या उसका नाम है, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट की खेती लाखों रुपए जिसके ऊपर शुरू में इन्वेस्ट होता है और कई लाख रुपए उसके बाद में इनकम भी होती है। एक एक किसान 10-10 लाख रुपया प्रति एकड़ कमाने वाला, ग्रीन हाउसेज लगा करके, भले ही बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने तो उनके लिए भी योजना बनाई कि ऐसे प्रगतिशील किसान अपने जैसे 10 किसान और तैयार करें। आज अगर वो संख्या 1000 होगी तो 10 किसान हर साल में और तैयार करते हैं तो हर साल 10 गुना उनकी संख्या बढ़ सकती है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप जिस प्रकार से खेत में लगे हैं इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें। खेती के अनुभव मेरे भी बहुत हैं। आप ये मत समझना कि एक मुख्यमंत्री और आपका संबोधन कर रहा है। मैंने, मेरे पिताजी ने, मेरे दादा परदादा ने भी खेती की है, थोड़ी बहुत की है। मुझे याद है सन वो 70-72 की बात कि सब्जी बो करके और किस प्रकार से वहां यानी बाल्टियों से पानी डाला जाता था उस सब्जियों को उगाने के लिए। पानी की कमी होती थी फिर भी सब्जी बोना है क्योंकि सब्जी की अच्छी आमदन होती है, पानी भर भर के बाल्टियों से डालना पड़ता था। आज किसान कितने ही किस्म के यानी सिंचाई के साधन हो गए हैं। उन सब्जियों को बो करके उस समय का विषय था। एक समय था हरियाणा में बहुत अच्छी फसल नहीं होती थी, सामान्य मानो बाजरा होता था या थोड़ा चना हो गया, गेहूं भी कहीं कहीं होता था, धान तो उस समय था ही नहीं। लेकिन आज पानी की उपलब्धता, धान भरपूर मात्रा में, गेहूं भरपूर मात्रा में, बाजरा तो आज भी होता है, कपास होता है, और विविधीकरण के नाते से इतनी फसलें, उन सब फसलों को हमने MSP पर खरीदना शुरू किया है। किसान कई बार डरता था कि मैं फसल को दूसरी फसल बदल के बोना भी चाहता हूं लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, खरीदेगा कौन। हमने घोषणा की है कि आप फसल की बुआई अगर फसल बदल करके कोई और बोएंगे, खरीदार और कोई हो ना हो, और हरियाणा सरकार और उसका जो है प्रबंध करेगी, फसल की खरीद करेगी। पिछले दिनों में एक संकट ध्यान में आया हमें, पानी का संकट, कि जमीन के अंदर पानी बहुत नीचे जा रहा है क्योंकि धान की बिजाई करने वाले लोग पानी को जमीन में से बहुत निकाल रहे हैं। पानी का हमारा संकट, पानी की कमी पर्याप्त हरियाणा में हम देख रहे हैं। हमने योजना बनाई कि अगर धान की बजाय आप दूसरी फसल पर आ जाते हैं, हम आपको 7000 रुपया प्रति एकड़ ये पैसा देंगे। आपको कोई डर ना लगे कि कहीं फसल कम ना हो जाए। 7000 रुपया प्रति एकड़, 1 लाख से ऊपर एकड़ का हर साल ये लोग धान कम करके दूसरी फसलों पर किसान बंधु आ रहे हैं। मैं उनको सबको बधाई देता हूं। जहां तक पानी का विषय है, हमको पता है इस पानी की लड़ाई हरियाणा में खूब लड़ रहे हैं। पानी हमारा एक प्रदेश वो रोकने के लिए बैठा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने प्रयत्नों से सुप्रीम कोर्ट को अपनी लड़ाई लड़ करके और ये निर्णय दिलवाया, और मैं बधाई देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि हमारी उस मांग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि SOL नहर बनेगी, SOL नहर बनेगी। अब इस SOL के पानी को रोकने के लिए पंजाब हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और उसी तरफ उन्हीं का एक राजनीतिक भाई दिल्ली, वो कहते हैं कि हमें पानी और दो, ये पानी देने से मना कर रहे हैं, वो पानी लेने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। भाई, ये हरियाणा की अपने पानी की जरूरत भी पूरा करने के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो भाई बहनों, ये जो दोगली राजनीति है, इस दोगली राजनीति को हम दोगले वाल को उसकी एक नहीं चलने देंगे। ये दोगले वाल यहां अगर हरियाणा की जमीन पर बात करनी होगी तो पहले हमारे पानी का हिसाब देना होगा, तब आपके हरियाणा की धरती के ऊपर बात कर सकते, वरना बात नहीं कर सकते हैं।
तो भाई बहनों, मैं तो आज आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि बहुत हमने प्रयोग किए हैं, फिर भी हमारा किसान यदि कोई सुझाव देता है, कोई नई उसकी आवश्यकता होती है, तो हमेशा तैयार हैं करने के लिए। चाहे किसान का भाव है, चाहे उसके फसल का नुकसान हो, उसके मुआवजे की बात है, चाहे नए प्रकार के अनुसंधान करके बीज की बात, खाद की बात, कुछ भी करने के लिए, और हमको अगर आपको सुझाव देंगे तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर काम करेंगे। मेरा एक निवेदन आप लोगों से है कि हम लोग जो खेती करते हैं उसमें कई बार उसकी किस्म क्या होगी, उस फसल की किस प्रकार से गुणवत्ता होगी, इस पर उतने ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। हम खाद का जो प्रयोग करते हैं, यूरिया है और उसके अंदर डीएपी या अन्य प्रकार के जो केमिकल खाद डालते हैं, उसके कारण से और हमारी जो फसल है उसकी क्वालिटी ये कमजोर होती है। उस कमजोर माने कई बार दूषित होती है, वो ऐसा अनाज मात्रा बढ़ जाती है, हम उसको अपनी आमदन का हिस्सा तो बनाते हैं, लेकिन कभी यह लगता है कि यह दूषित खाद कई बार जहर भी पैदा होता है, क्योंकि केमिकल जितने ज्यादा डालेंगे उतना इस खाद उस यानी अनाज से उपयोग करने वाला उसको बीमारी होने का भी डर रहता है। तो इसमें मेरा निवेदन है कि हम लोगों को अपनी मिट्टी और पानी इसकी जांच जरूर करानी चाहिए कि क्या उस जांच के बाद हमारी फसल में किस प्रकार का क्वालिटी की फसल होगी, और जांच के हिसाब से जैसा वैज्ञानिक बताएंगे या जैसे उसके पैरामीटर जांच के बाद मिलेंगे उसके हिसाब से हमको वैसा ही फसल, वैसा ही बीज, वैसी किस्म बुआई करनी चाहिए, और जहां तक संभव हो सके हमको धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। प्राकृतिक खेती बढ़ेंगे तो उस प्रकार के बहुत खाद अब आ गए हैं जो हमारी फसल को क्वालिटी के नाते से अच्छा करेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम मिट्टी पानी की जांच कराते हैं, मिट्टी पानी अच्छी तो हमारी फसल अच्छी, हमारी फसल अच्छी तो हमारी सेहत अच्छी, और सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ नहीं। तो भाई बहनों, इसको बात को ध्यान में रखते हुए हम इसका अगर काम करेंगे, यानी फसल वही हम बोएं जो हमारे लिए हितकर है और रितकर है, इस फसल को अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा। आज एक बात की जानकारी और दे करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि जैसे फसलों की कीमत ये पूरी सबको मिलनी चाहिए, किसी को घाटा नहीं होना चाहिए। अगर बाजार में भाव कम मिल रहा है भावांतर भरपाई से जो एमएसपी से, तो कई बार तो हम फसल एमएसपी पर खरीदते हैं, लेकिन जिन फसलों का हम उपयोग ज्यादा नहीं कर सकते तो उसके लिए हमने दूसरा रास्ता हरियाणा ने अपनाया है, और हरियाणा एकमात्र प्रदेश है जो लगातार इतने वर्षों से उस पर चल रहा है, और वो योजना है हमारी भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत अभी इस समय की जो फसलें हैं, धान तो निश्चित रूप से एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा, लेकिन बाजरा कई बार एमएसपी पर हमारी उतनी डिमांड नहीं होती और हमारे से एफसीआई भी खरीदता नहीं है। इस बार मात्र 2.5 लाख मीट्रिक टन ही एफसीआई के नाते, नेफेड के नाते हम खरीद पाएंगे, लेकिन बाजरे की मात्रा है लगभग 6 लाख मीट्रिक टन। तो हमने विचार किया है कि पिछले 25 सितंबर से बाजार में हैफेड जो है वो बाजरे की खरीद कर रहा है। हैफेड ने 2200 रुपए खरीद अपनी शुरू की है, तो जिन लोगों से 2200 रुपए खरीदी है उन सबको, जो नहीं बेचेंगे उनको भी सबको एवरेज जैसे पिछली बार दिया था, उनको तो 300 रुपया प्रति क्विंटल 2500 पूरा करने के लिए भावांतर भरपाई दिया जाएगा। और अगर 25 के बाद हैफेड अथवा बाजार में और रेट पर जे फार्म 2200 से ज्यादा का है तो फिर 2500 रुपया और जिस भाव में बिक्री हुई है वो जो गैप होगा वो भावांतर भरपाई में दिया जाएगा, अर्थात किसान को पूरा 2500 रुपया ही मिलेगा 25 तारीख के बाद का जो बाजरा खरीदा गया है उस पर।